कोबरा देखा है? सांप जो कोबरा होता है काले कलर का, उसको देखा है? आपने किसी सपेरे को देखा होगा। सपेरा क्या होता है? उस कोबरे को एक टोकरी में रखता है और वो कहीं भी बैठ जाता है और बैठने के बाद उससे खेल दिखाना शुरू करता है। तो क्या करता है वो बिंद बजाता है, बिंद बजाता है और सपेरा सांप जो है अपना गेम और खेल दिखाना, ऐसा ही होता है ना? ऐसा नहीं होता है। वो टोकरी के अंदर सांप होता है यानी कोबरा, वो बिंद बजाता है लेकिन उस कोबरा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो सपेरा उस टोकरी पे 3-4 बार थपकी मारता है। जब थपकी मारता है तो बड़े दुखी मन से, थके हुए मन से वो कोबरा ऐसे खड़े होता है, ले करवा ले क्या करवाना, ऐसे ही होता है। और वही कोबरा जिसको पिक्चर में देख के दुनिया डरती है, उसी को खिलौना समझ के लोग पैसे डालते रहते हैं, खेलते रहते हैं, होता है, और उसको चुपचाप बाद में वो बैठा लेता है। और वही कोबरा अपने वास्तविक रूप में जब किसी जंगल में होता है और जंगल में आप जा रहे होते हैं और आपका पैर जब किसी सूखे पत्ते पे गिरता है और पत्ते के टूटने की आवाज आती है और आसपास कोई कोबरा होता है, तो उसको बांसुरी बजाने की, बिंद बजाने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही पैर की हल्की सी आवाज आई, कोबरा एकदम से एक्शन में आ जाता है, आता गया नहीं होता। और जो आदमी वहां खड़ा होता है ना, वो उसका गेम नहीं देखता है, वो भागता है। वो टोकरी वाले कोबरे की तरह गेम नहीं देखता है, वो क्या करता है? भागता है, क्योंकि वो जानता है ये टोकरी वाला नहीं है, ये जंगल वाला है। तो आपको भी इस बिजनेस के अंदर अपनी कंडीशन, अपना प्लेसमेंट टोकरी वाले कोबरे से जंगल वाले कोबरे के रूप में करना है। यहां पे बैठे हुए बहुत सारे लोग आज भी वही टोकरी वाले कोबरा के रूप में बैठे। हाँ, पहचान बताता हूं कौन कौन है, अभी हाथ उठाना बाद में, कौन कौन है टोकरी वाला। टोकरी वाले की विशेषता, सुबह सुबह उसका अपलाइंट फोन करेगा, अच्छा उसका फॉलोअप करना था, क्या हुआ? अरे गुरुजी मैं तो भूल गया था। कौन सा है? बोला ठीक है तैयार हो लो, फिर उसका फॉलोअप करके आईडी का पैसा लेके आना है। बोला ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद अपलाइन ने 1-1.5 घंटे बाद में फिर फोन किया, गुरुजी तैयार हो रहा हूं। तो बोला लेट कैसे हो गया, हमारा गीजर बंद था। फिर अपलाइन तीसरी बार 12 बजे फिर फोन करता है, बस गुरुजी अभी निकल ही रहा हूं, बाइक पे बैठा हूं। फिर शाम को बोलता है, क्या हुआ उसकी आईडी ग्रीन हो गई? नहीं गुरुजी मैं पैसे तो लेके आ गया, लेकिन आईडी तो मैं थर्सडे को ग्रीन करा दूंगा। अब जो दूसरा होता है उसको क्या करता है? अपलाइन ने फोन किया सुबह 8 बजे, भाई उसकी आईडी लेके प्लान देने के लिए जाना था, प्लान देने के लिए जाना था। क्या रहा? गुरुजी प्लान की बात कर रहे हो तो मैं तो जाके प्लान देके फॉलोअप करके उसकी आईडी ग्रीन भी करा दी, वो कौन है? आपको इस बिजनेस में एक्टिव वैसे ही रहना है जैसे जंगल का कोबरा। कहीं भी पत्ते की आवाज आए, निकाल लो 15,000। यहां तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जहर वाली थैली भी तोड़ी हुई है।